तहरीके इंसाफ की बल्ले का निशान वापस हासिल करने की कानूनी जंग। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और बल्ले का निशान वापस के खिलाफ पीटीआई का पिशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तहरीके इंसाफ की कानूनी टीम आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और शाह फैसल की जानिब से दायर की जाएगी। दो रोजा छुट्टियों के बाइस दरख्वास्त आज जमा कराने का फैसला किया गया। इक्तदार में आकर 17 गैर जरूरी वजारतों को बंद करेंगे। उन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। पुराने सियासतदान माजी का हिस्सा है, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत को खत्म करके मसाइल हल हो सकते हैं। हमने तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करना है। रोटी, कपड़ा, मकान की माजी में इतनी जरूरत नहीं थी जितनी अब है। किसान कार्ड और मजदूर कार्ड से लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। आसिफ जरदारी के एन ए 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीके इंसाफ वाले पहले बगैर मेहनत के आगे आए थे, अब मेहनत करें तो मालूम हो जाएगा। इंतखाबात जरूर होंगे, माहौल अच्छा है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इंतखाबात होंगे तो जरूर होंगे, पीडीएम में पहले सारी पार्टियां साथ थीं, अब अलहदा हैं। कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता है। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हम हुकूमत बनाएंगे और अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने अहद चीमा को वजीर आजम के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर ममलिकत को अरसाल की थी। सदर ममलिकत ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी आर्टिकल 48(1) के तहत निगरान वजीर आजम की एडवाइस पर दी। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद होकर यकजान होना पड़ेगा। इस्लाम हमें अमन, दोस्ती का सबक सिखाता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू, जनरल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। आर्मी चीफ का तमाम शोबों में मसीही बरादरी की खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हमांगी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर ज़ोर। पंजाब में शदीद धुंध से रास्ते गुम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से पिंडी भटियां, M3 फैजपुर से रोजाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से जायर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोल मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई।